हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उनके नाम से आया है ये। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का किस लिए यूज़ होता है? देखो, हम मैथमेटिक्स में जब सोल्व करते थे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, CF निकालते थे, PI निकालते थे, उसके बाद दोनों को ऐड करके कंप्लीट सोल्यूशन देते थे। लेकिन लाप्लास क्या करता है, एक ही ऑपरेशन में CF और PI दोनों को ही फाइंड कर देता है और डायरेक्ट हमें क्या देता है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो लाप्ला ट्रांसफॉर्म किस काम आता है हमारे? इट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या किस काम आता है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के काम आता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन पर जाएं। डेफिनेशन हो क्या होगी इसकी? इफ XT इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, अगर XT कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ XT, जिसे हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी XT ई की पावर माइनस ST DT। तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखो, यहाँ पे लाप्लास किस पे डिपेंड कर रहा है हमारे? एस की वैल्यू पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई की पावर माइनस ST मल्टीप्लाई है ना XT के साथ, तो एस पे डिपेंड कर रहा है। यानी तो हमारा एक चीज होती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब वो वैल्यूज जिनके लिए हमारा लाप्लास एग्जिट करे, यानी ये इंटीग्रल फाइनाइट हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट आए, एक डेफिनेट वैल्यू आए, उसे कहते हैं हम उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। देन ROC क्या होता है, जिसे ROC कहते हैं हम, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। दी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच लाप्लास ऑफ XT एग्जिस्ट। ठीक है, लाप्लास ऑफ XT एग्जिस्ट इज कॉल्ड ROC। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, उसका ROC। अब ये S क्या है, S के बारे में जानते हैं पहले। S जो होता है हमारा क्या होता है, एक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट होगा इसमें, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा से। ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ये एस प्लेन क्या होता है, यहाँ पे देखो, एस प्लेन अगर हमें ड्रॉ करना हो तो ये बिल्कुल जो हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स प्लेन, वही प्लेन है, बस वहाँ पे हम XY पढ़ते थे, यहाँ पे क्या आ गया, सिग्मा और जे ओमेगा। तो हमारा जो ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इस पे होता है सिग्मा, और जो ये वर्टिकल होता है उस पे होता है जे ओमेगा। ठीक है, ऐसे इधर माइनस सिग्मा, नीचे क्या हो जाएगा,
माइनस जे ओमेगा। तो इसी के इसी से हम क्या करेंगे, उसका आरओसी डिफाइन करेंगे, ठीक है, इसी पे। तो आरओसी मान लो किसी का कोई सिग्नल मतलब एग्जिट कर रहा है किसके लिए, फॉर एस ग्रेटर देन जीरो। अगर एस ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो मतलब एस जीरो कहाँ पे होगा, एस जीरो मतलब जीरो प्लस जे जीरो जे ओमेगा, यानी यहाँ पर आएगा ओरिजिन पे। तो किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, क्योंकि ग्रेटर है। और लेस देन होगा तो किसकी साइड आएगा, इस साइड की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ग्रेटर देन है यानी जब भी सिग्नल राइट साइडेड होगा तो हम इस साइड की तरफ बात करेंगे, लेफ्ट साइडेड होगा तो हम इस साइड की बात करेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड सिग्नल ये काफ़ी सुनने में आएगा। ऐसे वन बाय वन हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते चले आएंगे, ठीक है। उनका आरओसी निकालेंगे, उनका लाप्लास निकालेंगे, सब कुछ पे उन पर बेस्ड खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।